की मिशन के संस्थापक पूज्य स्वामी अभेदानंद जी महाराज, जिन्होंने 57 वर्ष तक सनातन धर्म की सेवा की और 3000 से ज्यादा बच्चों को अभी भी यहाँ पर शिक्षा दीक्षा संस्कार मिल रहे हैं। हमारी जो श्रद्धामयी बहने हैं, समता, ज्योति आदि, सब मिलकर के पूज्य महाराज श्री के सपनों को पूरा करने के लिए एक संत ने जो सेवा की, संस्कारों की, सनातन की अलख जगाई, उसको आगे बढ़ा रही है। पूज्य महाराज श्री की जीवन यात्रा पूर्ण होने पर जैसा उनका नाम था अभेदानंद, ऐसे वो अभेद हो गए भगवान के साथ और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनकर के आए थे और हमारी उनकी अत्यंत प्रीति थी, इसलिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके प्रति अपना प्रेम कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और SB मिशन के एक अभिभावक के तौर पर इन सब बेटियों को पूज्य महाराज श्री के सामने मैंने कहा था हम इनका हाथ पकड़ के रखेंगे, तो उनका हाथ और साथ निभाने के लिए। 2024 के इलेक्शन है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ है? आज हम कोई राजनीतिक बात नहीं, एक, 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 एक संदेश क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रही है? देखो, हरियाणा में जैसे खट्टर साहब एक यशस्वी मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा की, अब उनको यहाँ के MP के रूप में भी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। जहाँ तक नए मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह जी हैं, वह भी सच में बहुत ही सात्विक आत्मा है और एक ऋषि चेतना के महापुरुष जैसे लगते हैं, तो मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने उनको फोन पर भी कहा जल्दी मिलूंगा अभी। तो देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है और जैसे सनातन धर्म के अनुरूप राज्य धर्म होना चाहिए, वैसे देश आगे बढ़ रहा है। SB मिशन के संस्थापक पूज्य स्वामी अभेदानंद जी महाराज, जिन्होंने 57 वर्ष तक सनातन धर्म की सेवा की और 3000 से ज्यादा बच्चों को अभी भी यहाँ पर शिक्षा दीक्षा संस्कार मिल रहे हैं। हमारी जो श्रद्धामयी बहने हैं, समता, ज्योति आदि, सब मिलकर के पूज्य महाराज श्री के सपनों को पूरा करने के लिए एक संत ने जो सेवा की, संस्कारों की, सनातन की अलख जगाई, उसको आगे बढ़ा रही है। पूज्य महाराज श्री की जीवन यात्रा पूर्ण होने पर जैसा उनका नाम था अभेदानंद, ऐसे वो अभेद हो गए भगवान के साथ और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनकर के आए थे और हमारी उनकी अत्यंत प्रीति थी, इसलिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके प्रति अपना प्रेम कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और SB मिशन के एक अभिभावक के तौर पर इन सब बेटियों को पूज्य महाराज श्री के सामने मैंने कहा था हम इनका हाथ पकड़ के रखेंगे, तो उनका हाथ और साथ निभाने के लिए। 2024 के इलेक्शन है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ है? आज हम कोई राजनीतिक बात नहीं, एक, 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 एक संदेश क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रही है? देखो, हरियाणा में जैसे खट्टर साहब एक यशस्वी मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा की, अब उनको यहाँ के MP के रूप में भी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। जहाँ तक नए मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह जी हैं, वह भी सच में बहुत ही सात्विक आत्मा है और एक ऋषि चेतना के महापुरुष जैसे लगते हैं, तो मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने उनको फोन पर भी कहा जल्दी मिलूंगा अभी। तो देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है और जैसे सनातन धर्म के अनुरूप राज्य धर्म होना चाहिए, वैसे देश आगे बढ़ रहा है।